मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के दौरान दूसरे स्कूल के नाबालिग छात्र छात्राओं को बिठाकर परीक्षा देने का मामला सामने आया है। पूरी घटना इंदौर शहर के बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की है। प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए रुक जाना नहीं योजना पास होने के लिए सरकार लेकर आई है, जिसकी परीक्षाएं चल रही हैं। मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित शासकीय शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं विज्ञान का पेपर चल रहा था। इसी दौरान छात्र पर शक होने पर पर्यवेक्षक ने छात्र को साइन और फोटो मिलाने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद यहां पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया था। स्कूल प्राचार्य ने तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस को सूचना देकर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस प्रवक्ता राजेश दंडोतिया ने बताया कि शासकीय शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य सीमा जैन ने बताया कि जो परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए शासन की योजना है, ओपन एग्जामिनेशन या रुक जाना नहीं योजनाएं चलाई जा रही हैं। रुक जाना नहीं योजना के तहत 549 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इस दौरान एक इंग्लिश और विज्ञान के छात्र के रोल नंबर और फोटो चेक करने पर ओरिजिनल छात्र नहीं पाए गए थे। स्कूल के प्राचार्य की शिकायत पर दोनों छात्र और एक टीचर सहित बच्चों को लाने वाले पति पत्नी सहित कुल 5 लोगों को आरोपी बनाकर उन पर FIR दर्ज की गई है। ये प्रिंसिपल सीमा जैन जो की शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है ओपन एग्जामिनेशन या रुक जाना नहीं अब लौट चले के तहत एग्जाम चलाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल रुक जाना नहीं योजना के तहत एग्जाम लिए जा रहे थे 549 छात्र छात्राएं थे जिनका एग्जाम कराया जा रहा था, लेकिन एक इंग्लिश का छात्र था, एक विज्ञान का छात्र था। उन दोनों छात्रों के जब रोल नंबर चेक किए गए और फोटो चेक किए गए तो वो दोनों छात्र वो छात्र ओरिजिनल छात्र ना होकर कोई दूसरे लोग बैठे हुए थे। इस पर से उनके द्वारा थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट की गई। मल्हारगंज में मैडम सीमा जैन जो प्रिंसिपल है उनकी रिपोर्ट पर से 419, 120B, 34 और इसके अलावा 3/4 जो मान्यता प्राप्त अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। कुल मिलाकर इन 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जो मैडम ने जिनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी, और इसके अलावा जो लोग इस बच्चों को लेकर आए थे एग्जाम दिलाने के लिए उन दोनों बच्चों समेत तीनों आरोपियों को बच्चों समेत तीनों जो पति पत्नी और एक जो शिक्षक है उनको आरोपी बनाया गया है।